गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे सारे। तो सारे लाइव आ जाओ, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। और सारे जो भी एक बार जुड़ रहे हैं वो इस सेशन को, लेक्चर को शेयर कर देना, है ना। फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। एक बार जो भी जुड़ते हैं वो इसको शेयर कर देना भाई। एक बार शेयर कर देना जो भी जुड़ रहे हैं। फिर हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके टेंथ साइंस के सेकंड चैप्टर कर रहे थे हम। जो भी एक बार जुड़ रहे हैं सेशन को शेयर कर देना, लाइव आ जाओ भाई एक बार सारे। फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। हाँ भाई शेयर कर दो फटाफट, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते आ जाना। फटाफट लाइव आ जाओ, जो भी लाइव आ रहे एक बार कमेंट कर देना। अच्छा आज थंबनेल चेंज नहीं हुआ है ना, वीडियो में थंबनेल चेंज नहीं हुआ स्टार्टिंग में। कोई नहीं, बाद में चेंज हो जाएगा ये। आज थंबनेल चेंज लगा हुआ है स्टार्टिंग में, है ना। तो ये जो क्लास होने जा रही है ये अभी आपके टेंथ साइंस की क्लास है, जो आप इसमें पढ़ेंगे। आज हम आपके सेकंड चैप्टर के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में, जो हमारी यहाँ पे जो क्लास होती है उस क्लास का मैं टाइमिंग बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सा टाइमिंग है, किस किस टाइम क्लास होती है। तो क्लास का टाइमिंग आप ध्यान में रखना कि जो डेली की क्लास होती है उस क्लास में आपकी एक बायोलॉजी क्लास होती है, सुबह होती है आपके 11 बजे। कितने बजे होती है? 11 बजे। अभी जो क्लास हो रही है इस क्लास का टाइमिंग आपके 7:30 बजे का, ठीक है। डेली आप लाइव आ जाइए 7:30 बजे। और एक आपके क्लास जो पहले रीड साइंस की जो आपकी 8:30 बजे होती थी, इसका मैंने आपकी टाइमिंग चेंज कर दिया और ये टाइमिंग होती है अब आपकी 4 बजे क्लास होती है रीड साइंस की, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इसकी संरचना भी देखी थी। संरचना के अलावा जो आपके इसमें आहार नाल के भाग और आपके ग्रंथियों के भाग थे उनको भी देखे थे। आज मैं थोड़ा यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या याद रखना है ना। थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। वेलकम सही राम। अब देखो इस चैप्टर में आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि इस चैप्टर के अंदर जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो आपके पाचन तंत्र वाला जो चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर है आपके पाचन तंत्र का। तो इस पाचन तंत्र में मैंने आपको दो भाग बताए थे। दो भाग आपके कौन कौन से बताए थे? एक भाग तो बताया था आपको आहार नाल का भाग, आहार नाल का भाग। और एक भाग बताया था मैंने आपको पाचक ग्रंथियों का भाग। कौन सा बताया था? पाचक ग्रंथियों का भाग बताया था। इस आहार नाल के भाग में आपके कौन कौन से भाग थे उन भागों को देखो मैं बता देता हूँ एक बार कि कौन कौन से भाग थे आपके आहार नाल के भाग में। सबसे पहला भाग आता है आपके मुख का पार्ट, मुख से शुरू होता है आपके। मुख के बाद में अगला होता है आपके ग्रसनी के बारे में। अगला पार्ट कौन सा था आपके? ग्रसनी। थैंक यू सही राम। अब ग्रसनी के बाद में आपके अगला पार्ट कौन सा होता है? आपके ग्रास नली। कौन सा होता है? ग्रास नली। एक बार आप इसको वापस समझो फिर हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से, है ना, कि कल वाला मैं एक बार वापस बता रहा हूँ। मुख, मुख के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में आपके ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद में ध्यान रखना आपके जो अगला पार्ट होता है वो होता है आपके अमाशय का भाग। कौन सा भाग होता है? आपके अमाशय का भाग। और इस अमाशय के भाग के बाद में जो अगला पार्ट होता है वो होता है आपके आंत का भाग। कौन सा भाग होता है? आंत। तो आंत में आप ध्यान में रखना यहाँ पे आपके एक तो छोटी आंत होती है, एक तो कौन सी होती है आपके? छोटी आंत। एक होती है आपके बड़ी आंत। कौन सी होती है? बड़ी आंत। एक छोटी आंत हो गई, एक कौन सी होगी आपके? बड़ी आंत। तो आहार नाल के भाग में इतने पार्ट हो गए, और आंत के बाद में एक लास्ट में भाग आता है आपके मल द्वार। ये मल द्वार ध्यान रखना बड़ी आंत का ही भाग है, ठीक है। तो इतने भाग तो आपके किसके हो गए? आहार नाल के हो गए। अगला भाग है आपके पाचक ग्रंथियों का भाग। कौन सा है? पाचक ग्रंथियों का भाग। तो पाचक ग्रंथियों में ध्यान रखना जो पाचक ग्रंथियाँ वो आपके तीन प्रकार के। कितने प्रकार के?
तीन प्रकार की। कौन सी सबसे पहले होती है? आपके मुख में जो उपस्थित होती है वो कौन सी होती है? लार ग्रंथि। अगली होती है आपके यकृत ग्रंथि, जिसे लीवर भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना, या हम आम भाषा में बोले तो कलेजा। अगला होता है आपके अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अब जो भी है आपके आहार नाल के भाग और पाचक ग्रंथियों के भाग, इन भागों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है? कि जो आहार नाल का जो भाग होता है उसमें आपके मुख, बाद में ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, आंत में कौन कौन से, छोटी आंत का भाग और आपके बड़ी आंत का भाग। हाँ, लेसन ये सेकेंड चैप्टर आपके कल ही स्टार्ट किया था, है ना? सेकेंड चैप्टर कल ही स्टार्ट किया था, आज ये दूसरा भाग है इसका थोड़ा, इसीलिए मैं वापस बता रहा हूँ फर्स्ट भाग के, आपका जो फर्स्ट भाग में पढ़ा था वो वापस बता रहा हूँ एक बार। अब इतना हमने देख लिया था कल कि आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, पाचक ग्रंथि आपके कौन कौन सी होती है ना, तो डायग्राम में आप देख लेना एक बार वापस इस भाग को, इस डायग्राम को मैं वापस बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो डायग्राम में आपके सामने, यहाँ पे इस डायग्राम में देखना कि जो आपके प्रारंभिक भाग, शुरुआती भाग है, वो भाग कौन सा आपके मुख का भाग है, कौन सा भाग है? मुख का भाग। अब इस मुख के भाग के बाद में अगला कौन सा था आपके? ग्रसनी। ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में अगला आता है आपके इसोफेगस। इसोफेगस मतलब ग्रास नली, ठीक है? थोड़ा बहुत आप इंग्लिश भी पढ़ते जाना, साथ में जो मैं वर्ड बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखना। इस डायग्राम में देखना आप कि जो आपके प्रारंभिक भाग है, ये प्रारंभिक भाग कौन सा होता है? आपके मुख भाग। मुख का भाग होता है, इसके द्वारा हम जो भी भोजन होते हैं सबसे पहले कहाँ पे लेते हैं? मुख गुहा में लेते हैं। मुख गुहा में लेने के बाद में आपके क्या होते हैं? जो दांत उपस्थित होते हैं, मैंने कल आपके दांत बताए थे चार प्रकार के होते हैं, कृतक, रदनक, अग्रचवनक और चवनक। इसके कार्य भी बताए थे मैंने, ये किस प्रकार से उपस्थित होते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया था आपको, ठीक है? तो इन दांतों के बाद में क्या होता है कि जब भोजन मुख में लेते हैं तो मुख में जो दांत होते हैं उन दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। चबाने के बाद में आपके जो जीभ होती है, जीभ के द्वारा भोजन में जो लार मिलाई जाती है और लार मिलाने के बाद में भोजन को लसलसा बनाया जाता है। ये भोजन ध्यान रखना आगे कहाँ पर चलता है? आपके ग्रसनी के माध्यम से। किसके माध्यम से? ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली के द्वारा कहाँ पर पहुँचता है? आपके अमाशय में पहुँचता है। कहाँ पर पहुँचता है? अमाशय वाले भाग में पहुंचता है। एक बार जो मैं प्रोसेस बताऊं उसको समझना आप, कि ग्रसनी और ग्रास नली के माध्यम से भोजन कहां पे आ गया? आपके अमाशय वाले भाग में आ गया। फिर क्या होता है, जैसे ये भोजन अमाशय वाले भाग में आता है तो यहां पे थोड़े समय के लिए क्या करता है? ठहरता है। वो क्यों ठहरता है, क्यों रुकता है यहां पे, वो सारी प्रोसेस एक बार बाद में देखेंगे। एक बार नॉर्मल प्रोसेस देख लो क्या होता है। ये भोजन अमाशय से फिर कहां पे जाता है? आपके छोटी आंत में। हाँ, आप डेली आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, आज थोड़ा क्या हुआ लेट हो गए, स्टूडेंट्स भी अभी जुड़े नहीं है लाइव, तो वो बाद में देखते होंगे शायद, है ना? अभी तो ये क्लास चल दो हमारी कंटिन्यू, कि अमाशय के बाद में कौन सा भाग होता है? छोटियाँ। जो आपको ये बीच में भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे जाल की नुमा संरचना के रूप में, ये भाग कौन सा होता है? आपके छोटी आंत का भाग होता है, ठीक है? छोटी आंत आगे चल करके किस में खुलती है? आपके बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में लास्ट में आपके कौन सा पार्ट होता है? आपके गुदा द्वार वाला भाग होता है। तो यहाँ पे आहार नाल के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मुख, मुख के बाद में ग्रसनी, ग्रास नली, आपके अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, और लास्ट में कौन सा होता है? मल द्वार या गुदा द्वार होता है। तो हम सबसे पहले एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते जाते हैं। पहले कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया था यहाँ पे मुख के बारे में, जो आपकी संरचना थी उसके बारे में पढ़ लिया था हमने, जो आपके मुख की संरचना थी इसके बारे में पढ़ लिया था कि मुख में आपके एक तो दांत है, दांत की संरचना पढ़ी थी, दांत के जो आपके प्रकार थे उनके बारे में देख लिए, दांत के कार्य पढ़ लिए थे हमने कल, और एक आपके जीभ थी, उस जीभ की संरचना के बारे में मैंने भी आपको बताया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रसनी है। कौन सा अगला पार्ट? आपके ग्रसनी का भाग है, ये ध्यान में रखना। अगला पार्ट कौन सा है? ग्रसनी का भाग है। तो ग्रसनी के भाग में आप ध्यान में रखना, आपको नेक्स्ट पेज निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे, कि ग्रसनी है यहाँ पे कि ये मुख गुहा के पीछे का भाग है। किसका भाग है? कि जो आपके जब भोजन मुख में लेते हैं तो मुख गुहा के पीछे का भाग, जैसे ही भोजन आप लिया मुख में, मुख के द्वारा ये भोजन कहाँ पे जाता है? चबाने के बाद कहाँ पे जाता है? आपके ग्रसनी वाले इस भाग में जाता है। ये भाग कौन सा होता है? आपके ग्रसनी का भाग होता है। कौन सा भाग होता है? ग्रसनी का। तो भोजन मुख गुहा में लेने के बाद में कहाँ पे जाता है? आपके ग्रसनी में जाता है। तो ग्रसनी से होकर भोजन आगे कहाँ पे जाता है? आपके ग्रास नली। अगला पार्ट कौन सा हो जाएगा? आपके ग्रास नली का भाग हो जाएगा, ठीक है?
तो ग्रसनी में गया भोजन, ग्रसनी से कहाँ पे गया आपकी ग्रास नली में गया। तो अगला पार्ट कौन सा आता है आपके ग्रास नली में। ग्रसनी का कार्य क्या हो गया कि भोजन को मुख के द्वारा कहाँ पे पहुँचाना आपके ग्रास नली तक पहुँचाना। अगला क्या है यहाँ पे, जो ग्रास नली का जो भाग है, इस ग्रास नली के भाग में क्या है यहाँ पे कि इसकी लंबाई कितनी होती है आपके 25 सेंटीमीटर। जो आपके ग्रास नली यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी लंबाई कितनी होती है आपके 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना जो ग्रास नली होती है वो डायफ्राम से होते हुए, डायफ्राम क्या होता है आपके मध्यपट, जो फेफड़े होते हैं आपके फेफड़ों के बीच में एक आपकी मांसपेशी पाई जाती है फेफड़ों के जस्ट नीचे उनसे जुड़ी हुई, ठीक है। तो उनसे एक वहाँ पे एक डायफ्राम पाया जाता है या मांसपेशी होती है, श्वसन मांसपेशी कहते हैं, जिसे हिंदी में मध्यपट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डायफ्राम से होते हुए कहाँ पे प्रवेश करती है आपकी उदर गुहा में, मतलब पेट वाले भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला क्या है, जो ग्रास नली होती है, ये ग्रास नली देखो आगे कहाँ से जुड़ी हुई है इस डायग्राम में, ये ग्रास नली आगे अमाशय से जुड़ी हुई है, देखो अमाशय से जुड़ा हुआ भाग है लास्ट में। तो ये ग्रास नली भोजन को कहाँ पे पहुँचाती है आपके अमाशय में पहुँचाती है, कहाँ पे पहुँचाती है अमाशय में पहुँचाती है, ठीक है। ग्रास नली भोजन को कहाँ पे पहुँचाती है अमाशय में पहुँचाती है। अगला क्या होता है कि ग्रास नली में विशेष प्रकार की श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है जो भोजन को क्या बनाती है लसलसा, और जिसके कारण भोजन आसानी से हमारे अमाशय में पहुँच सके। तो ग्रास नली में क्या होता है श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोजन को क्या करती है लसलसा बनाती है, और क्रमाकुंचन द्वारा भोजन क्या करता है अमाशय में पहुँचता है। क्रमाकुंचन गति, कभी आपने केंचुए को देखा होगा कि वो किस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो वो केंचुए के समान जो आपके क्रमाकुंचन गति करता है, मतलब एक बार तो पास में आती है फिर आगे फैलती है, फिर पास में आती है फिर आगे फैलती है। तो इस प्रकार जो गति होती है वो कौन सी होती है क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन होता है वो कहाँ पे पहुँचता है आपके अमाशय में पहुँचता है, अमाशय वाले पार्ट में, स्टोमक वाले पार्ट में पहुँचता है। और आगे क्या होता है कि जो ग्रास नली वाला भाग है, अब जो आपकी श्वसन नली होती है और भोजन नली होती है वो ग्रसनी से क्या हो जाती है अलग अलग हो जाती है, ठीक है, अलग अलग हो जाती है। तो अगली ग्रास नली होती है वहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, जैसे कि मान लो आपके शरीर में ये मान लो यहाँ पे क्या पीछे की ओर तो आपके पाई जाती है श्वसन नली, आगे की ओर कौन सी पाई जाती है भोजन नली। तो आपके श्वसन नली में क्या होता है कि यहाँ पे एक दोनों पर एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है। जैसे ही हमने भोजन लिया तो ये ढक्कन किस तरफ से हट जाएगा आपके भोजन वाली नली से हट जाएगा। जैसे ही हमने मान लो कोई श्वास गई हमारे अंदर तो वो श्वास वाली जो आपकी नली थी उससे यहाँ पे ढक्कन हट जाएगा। मतलब क्या होता है कि ये ढक्कन क्या कार्य करता है, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है और श्वास को भोजन नली में प्रवेश करने से रोकता है। तो इस ढक्कन को बोलते हैं घांटी ढक्कन, या इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस या घांटी ढक्कन कहते हैं। इतना आप इसके बारे में ग्रास नली के बारे में ध्यान में रखना। अगली जो संरचना है वो आपकी संरचना है अमाशय की संरचना। किसकी संरचना है अमाशय की संरचना। अब देखो इस अमाशय की संरचना को मैं थोड़ा यहाँ पे आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि अमाशय की संरचना क्या होती है, किस प्रकार से आपको इसमें याद रखना है और क्या क्या याद रखना है अमाशय की संरचना। थोड़ा मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ फिर हमारी क्लास में चलने देते हैं। अब देखो इस अमाशय वाले पार्ट में आपको क्या याद रखना है ना, अमाशय का जो भाग था वही याद रखना है कि अमाशय का जो भाग था आपके, इस अमाशय की जो संरचना होती है वो आपके जे आकार की होती है। कैसे होती है जे आकार की, मतलब क्या होता है ये आपके जैसे इस प्रकार की जो संरचना है ये आपका भाग कौन सा होता है अमाशय का भाग। ये आपके शरीर में ध्यान रखना बाई तरफ स्थित होता है, अमाशय किस तरफ स्थित होता है बाई तरफ, लेफ्ट वाले भाग में स्थित होता है, और ये इधर वाला पार्ट कौन सा हो गया राइट वाला भाग। तो अमाशय किस तरफ स्थित होता है आपके लेफ्ट वाले भाग की तरफ स्थित होता है, ठीक है। अमाशय के ध्यान रखना तीन भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं तीन भाग। अब वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो ये भाग हो जाएगा आपके, एक ये शुरुआती भाग हो जाएगा, एक ये आपके बीच वाला भाग हो जाएगा। जो आपके अंतिम भाग होता है इसे बोलते हैं आपके जठर निर्गमी भाग। क्या बोलते हैं जठर निर्गमी भाग। और जो आपके ये भाग होता है यहाँ पे शुरुआती भाग इसे बोलते हैं जठरागम भाग, जठरागम भाग, ठीक है। और जो आपके ये बीच वाला भाग होता है इसे बोलते हैं फंडस भाग। क्या बोलते हैं फंडस भाग। तो अमाशय के ध्यान रखना आप कितने भाग होते हैं तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपके जठरागम भाग,
जठराग्रम भाग के अलावा एक भाग कौन सा होता है बीच वाला आपके, फंडस भाग, कौन सा होता है फंडस भाग। फंडस भाग के अलावा एक भाग होता है आपके अंतिम भाग कौन सा होता है, जठर निर्गमी भाग, कौन सा होता है जठर निर्गमी भाग। तो अमाशय के आपके कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए। कौन कौन से हो गए आपके, एक तो शुरुआती भाग कौन सा हो गया आपके, जठरागम भाग, मतलब जो शुरुआती भाग होता है अमाशय का, ये आपकी संरचना है। जैसे कि अमाशय की यहाँ पे मैं अभी इस डायग्राम को समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप इस डायग्राम में कि आपके सामने ये अमाशय का डायग्राम है। इस अमाशय के डायग्राम में ध्यान रखना, ये जो आपके शुरुआती भाग है यहाँ पे, ये शुरुआती भाग, ये आपके शुरुआत वाला जो भाग होता है ये भाग कौन सा कहलाता है आपके, जठरागम भाग, कौन सा होता है, या जिसे कार्डियक भाग भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या क्या हो जाएगा आपके जठरागम भाग। जो अंतिम भाग होता है ये भाग, ये कहलाता है आपके जठर निर्गमी भाग, क्या कहलाता है जठर निर्गमी भाग, क्या कहलाता है जठर निर्गमी भाग। और जो आपके ये बीच वाला पूरे पार्ट होता है ये भाग कहलाता है आपके फंडस भाग, क्या कहलाता है आपके फंडस भाग। तो अमाशय के कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए, ठीक है, जठरागम भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडस भाग। ध्यान रखना जो फंडस भाग होता है वो अमाशय का 80% भाग बनाता है। कितने परसेंट भाग बनाता है, 80% भाग बनाता है। इतना आप एक बार इस अमाशय के बारे में ध्यान में रखना। अगली जो संरचना है इस अमाशय में आती है कि अमाशय में आपके जो भित्ति में जो कोशिका पाई जाती है वो कोशिका आपके जठर रस का स्त्रावण करती है। कौन से रस का स्त्रावण करती है आपके, जठर रस का, कौन से रस का स्त्रावण करती है, जठर रस का स्त्रावण करती है। अब ध्यान रखना कि जठर रस में कौन कौन से रस होते हैं, तो इसमें ध्यान रखना एक तो होता है आपके श्लेष्मा, क्या होता है श्लेष्मा, श्लेष्मा के अलावा एक होता है आपके HCl, HCl के अलावा एक होता है आपके पेप्सिनोजन, क्या होता है पेप्सिनोजन। किस में पाए जाते हैं ये आपके सारे, अमाशय में। कौन है ये चौधरी जी, सर कितनी देर है, क्या कितनी देर है और क्या पूछना है कि अमाशय में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं में, मतलब जो जठर ग्रंथियां होती है उनके द्वारा जठर रस का स्त्रावण किया जाता है, ठीक है। और जठर रस में आपके क्या क्या होता है, एक तो होता है आपके श्लेष्मा, एक होता है HCl, एक क्या होता है आपके पेप्सिनोजन, ठीक है। अब ध्यान रखना जो पेप्सिनोजन होता है जो अमाशय में पाया जाता है, ये पेप्सिनोजन किसका पाचन करता है आपके, प्रोटीन का पाचन करता है, किसका पाचन करता है प्रोटीन का। मतलब क्या होता है, जो पेप्सिनोजन होता है वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, ये पेप्सिनोजन किसके साथ में मिलता है आपके HCl के साथ में मिलता है और क्या बनाता है आपके सक्रिय पेप्सिन बनाता है, क्या बनाता है सक्रिय पेप्सिन बनाता है। पेप्सिनोजन होता है वो तो निष्क्रिय होता है, जब ये HCl के साथ में मिल जाता है पेप्सिनोजन तो क्या बनाता है आपके सक्रिय पेप्सिन बनाता है, क्या बनाता है सक्रिय पेप्सिन। ये सक्रिय पेप्सिन अब किसका पाचन करेगा आपके, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और श्लेष्मा क्या करता है कि जो आपके HCl की सांद्रता क्या है बहुत अधिक होती है, अधिक अम्लीय है, तो ये क्या कर सकता है HCl आपके अमाशय की भित्ति को भी क्या कर सकता है आपके नष्ट कर सकता है, कौन कर सकता है आपके HCl। तो जो आपके शरीर में जो श्लेष्मा होता है अमाशय में जो बनता है, ये श्लेष्मा किससे सुरक्षा करता है HCl से, HCl से अमाशय की भित्ति, HCl से अमाशय की भित्ति की सुरक्षा करता है, ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपके श्लेष्मा होता है वो क्या कार्य करता है कि HCl से अमाशय की भित्ति की सुरक्षा करता है। तो जो जठर रस होता है, जठर रस में आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो HCl होता है, HCl के अलावा पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन के अलावा क्या होता है श्लेष्मा होता है, ये इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। ये मैंने आपको HCl के बारे में बता दिया। अब क्या होता है, जो आपके अमाशय की जो संरचना बताई थी मैंने अभी यहाँ पे, इस प्रकार की जो संरचना थी कि जो आपके प्रारंभिक भाग होता है ये यहाँ पे एक प्रकार का वॉल्व लगा होता है, क्या लगा होता है आपके वॉल्व लगा होता है, ठीक है, क्या होता है वॉल्व लगा होता है। जब कभी भी ये वॉल्व खुला हो जाता है तो हमें क्या होती है खट्टी डकार आती है या हमें उल्टी का एहसास होता है। ये क्यों होता है कि जो आपके यहाँ पे प्रारंभिक भाग के जो वॉल्व पाया जाता है वो कभी कभी क्या हो जाता है आपकी खुला रह जाता है, जिसके कारण हमें खट्टी डकार या उल्टी का एहसास होता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे अमाशय के बारे में।
ये यहाँ पे जो वॉल पाया जाता है उसे कहते हैं जठरागम अवरोध, जठरागम अवरोध कहते हैं, ठीक है। और जो अंतिम भाग पे जो आपके वॉल पाया जाता है यहाँ पे, उसे कहते हैं जठर निर्गमी अवरोध। क्या कहते हैं? जठर निर्गमी अवरोध। इतना आप ध्यान में रखना कि इस अमाशय के तीन भाग बता दिए मैंने, दो अवरोध बता दिए, इसके अलावा जो जठर रस था उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जो डिटेल से यहाँ पे उसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे जो संरचना आपको बताई गई है क्या है इसमें, कि अमाशय होती है उसकी संरचना कैसी होती है। आपके जयाकार की संरचना आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जयाकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है। ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं भाग में होता है। ये आपके बाएं भाग में क्या पाया जाता है? अमाशय पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, अमाशय के तीन भाग होते हैं कौन कौन से? जठरागम भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग होता है, ठीक है। और यहाँ पे दो अवरोध पाए जाते हैं, एक तो ग्रास नली अवरोध, एक आपके जठर निर्गमी। यहाँ पे जो अवरोध होता है वो कौन सा होता है? आपके ग्रास नली अवरोध। और यहाँ पे जो अवरोध होता है वो कौन सा होता है? आपके जठर निर्गमी अवरोध। यहाँ पे इतनी संरचना आपके किसके बारे में हो गई? अमाशय के बारे में। अगली बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में वापिस देख लो। एक हमने जो संरचना पढ़ी थी वो संरचना हमने पढ़ी थी सबसे पहले मुख्य बारे में, मुख्य बारे में। बाद में आता आपके ग्रसनी की संरचना हमने पढ़ ली, ग्रसनी की संरचना पढ़ ली। ग्रसनी के बाद में आता आपके इसोफेगस, जिसे ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया। ग्रास नली के बाद में जो आपके अगला पार्ट होता है अमाशय के बारे में, अमाशय के बारे में इतना हमने पढ़ लिया। अब ध्यान रखना, जब भोजन आपके मुख में होता है, जब भोजन कहाँ पे होता है? मुख में, तब उसे वहाँ पे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। जब भोजन आपके मुख में होता है तब उस भोजन के रूप को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ध्यान में रखना कि बोलस क्या होता है। जब भोजन आपके मुख गुहा में होता है तब उस समय भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और जैसे ही भोजन आपके ग्रसनी और ग्रास नली के द्वारा कहाँ पे आ जाता है? अमाशय में। तब अमाशय में जो भोजन होता है तो उस भोजन को कहते हैं आपके काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। तो यहाँ पे बोलस और काइम मैंने यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा बातें बता दी, और आप इनको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अमाशय के बाद में अगला पार्ट आता है आपके छोटी आंत का पार्ट। कौन सा पार्ट आता है? छोटी आंत का पार्ट। तो छोटी आंत आंत वाला जो पार्ट होता है उसको कैसे याद रखना है यहाँ पे एक बार समझ लो आप पहले, कि जो छोटी आंत होती है उस छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। अब तीन भाग कौन कौन से होते हैं? एक भाग होता है आपके ग्रहणी का भाग, ग्रहणी के भाग के बाद में अगला भाग होता है आपके मध्यांत्र, मध्यांत्र के बाद में अगला भाग होता है आपके शूद्रांत्र, शूद्रांत्र, ठीक है। ड्यूडोनम, इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडोनम, इसे कहते हैं जेजुनम और इसे कहते हैं इलियम। ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम मतलब ग्रहणी, मध्यांत्र और शूद्रांत्र वाले पार्ट। तो छोटी आंत के पार्ट कितने होते हैं? आपके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। छोटी आंत के कितने पार्ट हो गए? तीन पार्ट। तो यहाँ पे जो तीन पार्ट है उनके कार्य ध्यान में रखना। मैं कार्य बता देता हूँ कि जो ग्रहणी वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ग्रहणी वाले पार्ट में क्या होता है कि सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया आपको पूछे तो कहाँ पे संपन्न होती है? आपके ग्रहणी वाले पार्ट में। सर्वाधिक आपके अवशोषण की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहाँ पे संपन्न होती है? आपके भोजन का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है? सर्वाधिक आपके मध्यांतर वाले पार्ट में। और जो आपके जल और इसके अलावा जो विटामिन और जो आपके शरीर में खनिज लवण है, खनिज लवण, इन खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है? आपके शूद्रांत्र वाले पार्ट में किया जाता है। तो ग्रहणी में क्या 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 होता है? आपके सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? आपके ग्रहणी में। मध्यांत्र वाले पार्ट में क्या होता है? सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया। और शूद्रांत्र वाला जो भाग होता है वहाँ पे क्या होता है? जल, विटामिन और खनिज लवण का अवशोषण। तो छोटी आंत के मैंने आपको तीन भाग बता दिए। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं कि छोटी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ पे देखो आपके सामने क्या लिखा है कि छोटी आंत अमाशय से शुरू होती है और बड़ी आंत पर क्या हो जाती है? आपके पूर्ण हो जाती है। कहाँ से शुरू होती है आपके? कि ये छोटी आंत निकलती कहाँ से? अमाशय के आगे वाला भाग कौन सा? अमाशय के आगे वाला भाग आपके छोटी आंत का। तो छोटी आंत कहाँ से शुरू होती है? आपके अमाशय वाले भाग से। अब ध्यान रखना, छोटी आंत नाम है तो ये छोटी नहीं होगी,
सर्वाधिक लंबाई में अगर लंबी है तो वो कौन सी आपके छोटी आंत, और इसकी सर्वाधिक लंबाई कितनी होती है आपके 7 मीटर। छोटी आंत नाम से छोटी नहीं है पर इसकी लंबाई आप ध्यान में रखना कितनी है आपके 7 मीटर। ठीक है, आहार नाल के इस अंग द्वारा ही क्या होता है आपके भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण। जो छोटी आंत का भाग है इसी में क्या किया जाता है आपके अवशोषण और आपके पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। नमस्कार नमस्कार, वीटीजी एजुकेशन ग्रुप वेलकम है आपका मोस्ट। ये आपके आहार नाल के इस अंग के द्वारा क्या होता है पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। अभी मैंने पीछे वाले यहाँ पे पेज पे बताया था आपको कि जो आपके आहार आंत होती है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं जिसे, तीन भाग होते हैं कौन कौन से, एक तो ग्रहणी का भाग होता है, एक आपके अग्र शुद्धांत्र होता है, एक आपके थर्ड नंबर पार्ट कौन सा होता है शुद्धांत्र होता है। ये तीन भाग होते हैं ठीक है, ग्रहणी अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र, ठीक है तीन भाग होते हैं। मैंने ग्रहणी वाले भाग में आपको यहाँ पे बताया था कि जो ग्रहणी वाला जो भाग होता है इसमें देखो आप, ग्रहणी वाले भाग का मैंने बताया था कि जो ग्रहणी वाला भाग होता है इसमें आपके सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया होती है, मध्यांत्र वाले भाग में सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया, और शुद्धांत्र वाले भाग में आपके सर्वाधिक जल और विटामिन और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। इसी प्रकार ये यहाँ पे आपके समझाया गया है कि जो ग्रहणी वाला जो भाग होता है उसमें आपके सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया होती है ठीक है, और जो अगला भाग है यहाँ पे आपके अग्र शुद्धांत्र इसमें आपके सर्वाधिक अवशोषण किया जाता है ठीक है, अग्र शुद्धांत्र में सर्वाधिक अवशोषण किया जाता है, और शुद्धांत्र वाले भाग में जल और विटामिनों का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है आपके शुद्धांत्र में। ग्रहणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपके ड्यूडोनम, अग्र शुद्धांत्र को आपके जेजुनम, और शुद्धांत्र को क्या बोलते हैं इलियम बोलते हैं। ये आपके हो गए छोटी आंत के भाग। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि छोटी आंत में जो अवशोषण का कार्य होता है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, और उन कोशिकाओं को बोलते हैं आपके आंत्र कोशिकाएं, क्या बोलते हैं आंत्र कोशिकाएं, और इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं आपके एंटेरोसाइट बोलते हैं ठीक है, आंत्र कोशिकाएं या क्या बोलते हैं उन्हें एंटेरोसाइट बोलते हैं। इतना आप इस छोटे आंत के भाग है इसके बारे में ध्यान में रखना। अगला जो भाग होता है वो भाग होता है आपके बड़ी आंत का भाग। इसमें देखो एक बार छोटी आंत का भाग बता देता हूँ कि कौन सा भाग आपके छोटी आंत का है ठीक है, जो आपके ये ऊपर से देखो अमाशय से जो संरचना आ रही है, ऊपर की संरचना तो कौन सी अमाशय की संरचना, अमाशय की संरचना से ये देखो आपके जो भाग निकल रहा है इस कलर का, मैं आपके जो ब्लैक ब्लैक भाग कर रहा हूँ ये आपके कौन सा भाग है पूरा का पूरा छोटी आंत का भाग है ठीक है। अब देखना जो अमाशय से निकला हुआ जो प्रारंभिक भाग है ये प्रारंभिक भाग आपके क्या होता है कौन सा ग्रहणी का भाग, कौन सा भाग होता है ग्रहणी का भाग ठीक है। अगला होता है जो आपके ये बीच का भाग है इतना सा भाग, ये कहलाता है आपके अग्र शुद्धांत्र, जिसे आप मध्यांत्र भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में जेजुनम कहते हैं, और जो अंतिम जो आपके ये भाग होता है ये भाग कहलाता है आपके शुद्धांत्र का भाग, क्या कहलाता है शुद्धांत्र का भाग। तो मुझे आशा है कि आपको ये छोटी आंत वाला पार्ट पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आपको इसमें क्या याद रखना और क्या याद नहीं रखना ठीक है। ग्रहणी का भाग बता दिया मैंने अच्छे से, इसका कार्य बता दिया, अग्र शुद्धांत्र के बारे में बता दिया, और शुद्धांत्र की संरचना के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगला भाग होता है कि जो आपके इसमें एक संरचना दी गई है, इसमें आपके एक संरचना दी गई है यहाँ पे ध्यान देना आप कि जो आपके ये भाग दिखाई दे रहा है चारों ओर, इसको मैं रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, जो चारों ओर का जो भाग है ये इस भाग को कहते हैं आपके बड़ी आंत का भाग है, ये पूरा किसका भाग है आपके बड़ी आंत का भाग है ठीक है, जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे दर्शाया है ये भाग आपके कौन सा है पूरा का पूरा बड़ी आंत का भाग है ठीक है। अब ध्यान देना इस बड़ी आंत के भाग के नीचे की ओर जो शुरुआती भाग है जहाँ पे आपके ये कौन सा भाग जुड़ रहा है छोटी आंत का, किससे जुड़ रहा है बड़ी आंत से, तो यहाँ पे जो आपको ये विशेष प्रकार का प्रवर्त दिखाई दे रहा है बाहर निकला हुआ, इस प्रवर्त को कहते हैं आपके अपेंडिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं, परिशेषिका या किसे क्या कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं ठीक है। मतलब क्या होता है ये आपके एक रूप से अवशेषी अंग है शरीर में, क्या एक रूप से अवशेषी। अब बताता हूँ कि इस अपेंडिक्स का पहले क्या कार्य होता था, अभी तो ये क्या आपके एकदम
अवशेषी अंग के रूप में कोई कार्य नहीं है अभी। जब क्या होते थे, हम मान लो हमें किसके पूर्वज मानते हैं, बंदर के पूर्वज मानते हैं। गुड इवनिंग तेजपाल। कि अब इस अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है कि हमें किसके पूर्वज मानते हैं, बंदर के पूर्वज मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये परिशेषिका, उस समय ध्यान रखना सेल्यूलोज का पाचन करती थी। किसका पाचन करती थी? सेल्यूलोज। क्योंकि जो बंदर होते थे वो क्या खाते थे, आपके पादप खाते थे, पेड़ पौधे खाते थे। तो उन पेड़ पौधों में क्या होता है, आपके सेल्यूलोज होता है। तो इस सेल्यूलोज का पाचन उस टाइम कौन करते थे, आपकी जो अपेंडिक्स होती थी वो करती थी। पर अब क्या होता है कि ये जो अपेंडिक्स है, जो परिशेषिका है, वो एक रूप से आपके अवशेषी अंग के रूप में कार्य करती है। अब इसका कोई कार्य नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको अपेंडिक्स के बारे में बताया। अब देखो जो बड़ी आंत के जो भाग है, वो बड़ी आंत के भाग देखना आप डायग्राम में। ये आपके सामने यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में देखना कि जो आपका ये प्रारंभिक भाग है, ये आपके भाग कहला है, ये भाग कहलाता आपके आरोही भाग। बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं, एक तो आरोही भाग, अनुप्रस्थ भाग और अवरोही भाग, ठीक है। तो इसमें जो आपके आरोही भाग होता है, तो ये बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग कौन सा हो गया, आपके आरोही भाग। फिर अगला भाग होता है आपके अनुप्रस्थ भाग, तो ये भाग आपके कौन सा भाग कहलाता है, अनुप्रस्थ भाग। ये भाग हो गया आपके कौन सा, अवरोही भाग हो गया। और जो आपके सबसे अंतिम का भाग होगा, इसे सिग्मा आकार बोलते हैं, या इसे बोल सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं, आपके सबसे रेक्टम, रेक्टम नहीं तो क्या बोल सकते हैं हिंदी में, गुदा द्वार। क्या बोल सकते हैं, गुदा द्वार। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बड़ी आंत के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल आपके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, अब देखो उनको मैं अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ आपको। पेज चेंज कर देता हूँ एक बार में। अब देखो यहाँ पे जो बड़ी आंत थी, ठीक है, उस बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, आपके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आरोही भाग होता है। इस आरोही भाग के अलावा अगला कौन सा होता है, आपके अनुप्रस्थ भाग होता है। अनुप्रस्थ भाग के अलावा अगला भाग कौन सा होता है, आपके अवरोही भाग होता है। कौन सा होता है, आपके अवरोही भाग। ये आपके तीन भाग किसके होते हैं, आपके बड़ी आंत के होते हैं, आरोही भाग, अनुप्रस्थ भाग और अवरोही भाग। तो ध्यान देना आपके कि जहाँ से आपके छोटी आंत, जो छोटी आंत होती है, वो जहाँ से आपके बड़ी आंत से जुड़ी होती है, वो भाग कौन सा होता है, आपके आरोही भाग। आरोही भाग आगे चल करके किस में खुलता है, आपके अनुप्रस्थ में, और अनुप्रस्थ आगे चल करके किस में खुलता है, आपके अवरोही भाग में खुलता है। जब भोजन आपके छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, तो ये भोजन पहले आरोही में, फिर और अनुप्रस्थ में, और लास्ट में किस में जाता है, अनुप्रस्थ, इस अवरोही भाग में। और लास्ट में जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को अवरोही भुजा के द्वारा कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, आपके मल द्वार तक पहुँचा दिया जाता है। और मल द्वार के द्वारा उसको गुदा द्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। इतनी संरचना आप इस बड़ी आंत के बारे में ध्यान में रखना, ठीक है, कि बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पे किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, किण्वन। अब किण्वन क्या होता है, इसके बारे में समझना कि जो आपके ये बड़ी आंत होती है, इसमें विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाणु की सहायता से क्या होता है कि भोजन को सड़ने से बचाया जाता है। क्या किया जाता है, सड़ने से बचाया जाता है। वही प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। अगली यहाँ पे है कि बड़ी आंत में मुख्य रूप से जल व खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। यह भी ध्यान में रखना आप कि जल व खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है, आपके बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के हमने तीन पार्ट पढ़ लिए, आपके आरोही, अनुप्रस्थ और आपके अवरोही, ठीक है। ये भाग हो गए आपके बड़ी आंत के, और ये बड़ी आंत का आपके सामने डायग्राम रहा। अब यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आपके सबसे पहले देखो वापस एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, उसकी संरचना को समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। फिर हमारा ये जो भी टॉपिक होता है उसमें अगला पार्ट करेंगे हम, ग्रंथियों का भाग करेंगे। कौन सा भाग करेंगे, ग्रंथियों का भाग करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इनको समझ लो एक बार वापस। कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी संरचना किसकी, मुख की संरचना।
मुख की संरचना के बाद में, इसमें मुख की संरचना में हमने किस किस की संरचना पढ़ी थी, एक तो दांत की संरचना, एक मैंने बताया था आपको जीभ की संरचना के बारे में भी बताया था। इसके बाद में अगला पढ़ा था हमने ग्रसनी के बारे में, ग्रसनी के बाद में हमने अगला पढ़ा था ग्रास नली का, ग्रास नली जिसे इसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली के बाद में अगला भाग होता है आपके आहार नाल, ये अमाशय का भाग, अमाशय के भाग के बाद में अगला होता है आपके छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में होता है आपके बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में अगला होता है आपके मल द्वार। क्या होता है? मल द्वार। तो ये अभी तक हमने भाग पढ़ लिए इसमें कि आपके जो आहार नाल के जो भाग होते हैं ये सारे ही किसके भाग है? आपके आहार नाल के भाग है। किसके भाग है? आहार नाल के। ये ध्यान में रखना, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और आपके मल द्वार पढ़ लिया। अब अगली संरचना यहाँ पे ध्यान देना कि जो ग्रंथियाँ हैं आपके, ग्रंथियाँ बता देता हूँ कि पाचक ग्रंथियाँ क्या होती है और आपके इसमें क्या क्या पढ़ना आपको, कि पाचक ग्रंथियाँ ध्यान रखना आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपकी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि ध्यान में रखना आपके मुख में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मुख में पाए जाते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं आपके कर्ण पूर्व ग्रंथि जो आपके कानों से पहले पाए जाती है। फिर अगली होती है आपके अधोजंभ ग्रंथि जो आपके जीभ के नीचे पाए जाती है, और एक होता है आपके जो जीभ के ऊपर मतलब ऊपरी तालू में पाए जाती है। तो लार ग्रंथि होती है। अगली होती है आपके यकृत ग्रंथि। कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। तो यकृत ग्रंथि के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये आपके सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत ग्रंथि। कौन सी होगी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। और अगला पार्ट होता है आपके यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि का। कौन सा पार्ट होता है? अग्नाशय ग्रंथि। ये आपके तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। एक बार तो हम क्या कर रहे हैं, इनकी संरचना पढ़ ली हमने जो आहार नाल के भाग थे उनके बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपके ग्रंथियों के बारे में, जिसमें से हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपके लार ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? लार ग्रंथि के बारे में। तो जो भी आपके पाचक ग्रंथियाँ हैं वो पाचक ग्रंथियाँ हम करेंगे आपके कल के टॉपिक में, और कल वाले टॉपिक में हमारी पाचन ग्रंथियाँ कंप्लीट हो जाएगी। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसमें आपके पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे एक साथ में सारे अंगों और आपके जो भी ये ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा। यहाँ पे ध्यान में देना जो सारी जो ग्रंथियाँ हैं इन ग्रंथियों के द्वारा एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है। और अग्नाशय भाग के बारे में ध्यान में रखना, ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और आपके बहिस्त्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। ये मैं कल आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और जो पाचक ग्रंथियाँ बची है इन पाचक ग्रंथियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। और आज हमने जो पढ़ा था मुख के बारे में, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और आपके मल द्वार का, ये टॉपिक मैं आपके यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। ये हो गए आपके यहाँ पे पाचन तंत्र का जो भी आपके आहार नाल का भाग था, आहार नाल का भाग क्या हो गया यहाँ पे आपके कंप्लीट होता है। और कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके जो लार ग्रंथियाँ हैं, यकृत ग्रंथि है, अमाशय जो अग्नाशय ग्रंथि है, इन तीन ग्रंथियों के बारे में अच्छे से समझेंगे कल, ठीक है। तो कल आप आ जाना 7:30 बजे सारे लाइव। और क्लास का जो टाइमिंग है वो मैं टाइमिंग बता देता हूँ, क्लास का हमारे टाइमिंग क्या है यहाँ पे, कि जो बायोलॉजी क्लास होती है वो 11:00 बजे होती है, और अगली होती है आपके 7:30 बजे होती है 10th साइंस की क्लास, और अगली क्लास होती है आपके रीट साइंस की। किसकी होती है? रीट साइंस की क्लास होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अच्छे से पढ़ते रहे और अपने टारगेट को ज़रूर अचीव करें ना। और किसी को कुछ पूछना है? चलो कल मिलते हैं बाकी 7:30 बजे।